अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा शेयर करूंगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस औरत ने भी ये वजीफ़ा किया उसे ऑपरेशन की ज़रूरत ही पेश नहीं आई और अल्लाह पाक के हुक्म से उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहती हैं तो एक बार ये वजीफ़ा ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह ताला आप इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। बच्चे को जन्म देना एक कुदरती अमल है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी को अक्सर ख़तरनाक और नाकाबले बर्दाश्त तकलीफ़ दे अमल समझा जाता है। ये सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मालूमात की कमी की वजह से है। नॉर्मल डिलीवरी पैदाइश का कुदरती तरीका है और आम तौर पर माँ और बच्चे के लिए ज़्यादा महफूज समझा जाता है। एक रिसर्च से पता चला है कि 85% हामला ख़वातीन की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सिर्फ 15% हामला ख़वातीन को तिबी वजूहात की बिना पर सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। ताहम कुछ औरतें सी सेक्शन का इंतखाब करती हैं क्योंकि वो दर्द ज़ै के बारे में फ़िक्रमंद होती हैं और इसी वजह से 30% से ज़्यादा हामला ख़वातीन सी सेक्शन से गुजरती हैं। ये शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप भी सी सेक्शन से बचना चाहती हैं तो एक्टिव रहें, अच्छी डाइट लें और हमारा आज का ये वजीफा भी करें। इंशाल्लाह ताला आपको सी सेक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके लिए किसी भी मीठी चीज़ पर 121 बार या अल्लाह हो दम करके उस मीठी चीज़ के 3 हिस्से कर लें और हामला औरत को वक्फे वक्फे से खिलाएँ। जो औरत भी ये वजीफ़ा करेगी इंशाल्लाह ताला उसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।